अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरेंज मास्क, जो कि ओरेंज के छिलकों से बनता है। तो पहले तो हमें सबसे पहले मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज पील, ऑर्गेनिक जो छिलकों के वो पाउडर होता है। तो मेरे पास तो फ्रेश नहीं था, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, मतलब कि आप अपने मतलब घर में उसको सुखा लें, लेकिन इतना वो मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो इसलिए अभी तो सीज़न शुरू हुआ है सर्दी का, तो ये चीज़ें इतनी अवेलेबल भी नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है ऑर्गेनिक ऑरेंज पील मास्क। ठीक है, पाउडर है ये, और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैंने भी ऑनलाइन ही इसको परचेज़ किया है, द्रास से मिल जाएगा, तो आप इसको ईज़िली बाय कर सकते हैं वहाँ से। तो बाकी इसके अलावा ये है बेसन, तो ये लीमू है एक, और ये रोज़ वाटर, और ये हल्दी थोड़ी सी। तो आप अगर आपने कहीं जाना है, ये मास्क इंस्टेंट ग्लो के लिए है, मतलब अगर आपने कहीं जाना है या आपको फ़ौरन से अपने चेहरे पे ग्लो चाहिए, तो आप ये मास्क यूज़ करें, तो आपको बहुत जल्द आपको मतलब फ़र्क फील होगा कि आपके चेहरे पे एक ग्लो है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेसन है एक चम्मच, इसमें हम डालेंगे ये पाउडर। गाइस, ये अंदर से कुछ इस तरह से है, तो इसका हम हाफ चम्मच जो है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ये डाल लिया बेसन के अंदर। उसके बाद ये टर्मरिक है, ये भी तकरीबन हम थोड़ी सी है, लेकिन ये हम सारी नहीं डालेंगे, ये हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें बस। और इसके अलावा ये है लीमू, ये भी ये पूरा हम डाल देंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये है रोज़ वाटर, तो ये भी आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा, तो ये आप वहाँ से बाय कर लें। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये हमने डाले हैं 2 टेबलस्पून। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लगे, तो आप इसको और भी डाल सकते हैं रोज़ वाटर को। सो गाइस, मुझे थोड़ी थिक लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखें, ये इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। तो मुझे अभी भी ये थोड़ा सा थिक ही लग रहा है, तो ये फेस पे नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसको लगा के 5-10 मिनट रख भी सकते हैं, और इसका मसाज भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह से इजी है। तो मैं तो इसका मसाज करूँगी, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ। ये आप अपनी फेस पे, अपने हैंड्स पे, अपनी पाँव पे भी लगा सकते हैं इसको। अगर आपके पाँव थोड़े से डल हैं, उनका कलर डल है, तो आप ये यूज़ करें, तो आपकी जो पाँव की स्किन है वो भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो गाइस, ये देखें, ये कुछ लाइक जैसे उबटन नहीं होता वैसा लग रहा है। तो आप इसको बना के डेली भी यूज़ कर सकते हैं, और एक दिन छोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो गाइस, ये है, ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको, मैं आपको इसको अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये मेरे स्किन ऐसी ही नज़र आ रही है अभी, ये देखें। तो अभी हम इसको अप्लाई करके मसाज करेंगे ऐसे। मैं अभी सिर्फ एक हैंड पे ही अप्लाई करूंगी, तो आपको मैं ताकि दिखा दूं कि ये ग्लो किस तरह से आएगा।
और कितना मसाज करना है ये भी आप पे डिपेंड करता है। आप 5 मिनट भी कर सकते हैं और 2 मिनट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट 2 मिनट्स करके दिखा देती हूँ। देखें, आपने ये नकल्स हैं हैंड्स के, इनके ऊपर करना है ताकि ये साफ़ हो जाएं। और ये देखें, आपको ऑरेंज का थोड़ा इफेक्ट भी नज़र आ रहा होगा, थोड़ा वो जैसे ऑरेंज के छिलकों का होता है येलो येलो इफेक्ट, थोड़ा ऑरेंज सा। तो गाइज ये ड्राई होना शुरू हो गया, तो अभी मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये मुझे इसके छिलकों की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑरेंज के छिलकों की जो खुशबू है, एक अरोमा है, बहुत अच्छा। तो गाइज ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसको वॉश करेंगे। तो गाइज आपने देखा, ये देखिए कितना अच्छा, और ये देखें और ये देखें, ये देखें कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। साफ हो गया हैंड और एक ग्लो भी आपको नज़र आ रहा होगा मेरे हैंड्स में। तो वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।